हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू रा इंटरनेशनल स्कूल टूडेज आर चैप्टर फॉर क्लास फिफ्थ सोशल साइंस चैप्टर इलेवन कम्युनिकेशन एंड टूडे वी हैव टॉपिक्स टू डिस्कस वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द पेज नंबर सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी सेवन आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास फिफ्थ के लिए सोशल साइंस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है तो आज हम कम्युनिकेशंस के बारे में समझेंगे कि कम्युनिकेशंस का मतलब होता क्या है कम्युनिकेशंस का मतलब होता है कि हम जब बात करते हैं एक दूसरे से जब हम बात करते हैं अपने थॉट को अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सो वॉट इज़ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन वैन वी शेयर अवर थाट विथ ईच अदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशंस की एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है व्हेन वी टॉक ईच अदर इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब होता है वार्तालाप तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय बाई इज इंक्लूज इन अ पैकेज इज बाय बाई सेंडर टू अ वी आर स मीडियम जब हम अपनी बातें अपनी सोच अपने थाट अपने एक्सप्रेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं इसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं यानी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग आपस में जो बातचीत करते हैं उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग फैक्ट आइडियाज ओपिनियंस थॉट एंड इंफॉर्मेशन थ्रो स्पीच राइटिंग चेस्टर और सिंबल बिटवीन टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग अपने आइडिया अपनी थाट अपने ओपिनियन हम बात करके इशारे करके है ना और लिख कर सिम्बल के जरिए एक दूसरे से जो भी अपने शेयर हम Uh, जो भी थॉट जो भी बातें हम शेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन नाउ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है ना तो अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन के कितने टाइप होते हैं कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ वर्ड इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन सिमिलरली व्हेन वी मीट अवर फ्रेंड वी शेक हैंड्स विद दैम दिस ऑल्सो कॉन्वे सम मीनिंग्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट एनी यूज ऑफ वर्ड And is called non-verbal communication. Let us know further about these two. अब जो communications के प्रकार हैं communications कितने प्रकार की होती है Communications देखिए जब हम अपने दोस्त से मिलते हैं है ना हम उससे हाथ मिलाते हैं हम उससे बात करते हैं तो ये क्या होता है ये एक तरीके से communication है तो जब हम अपने दोस्त से मिलते हैं हम उससे बातें करते हैं हम उससे अपने आइडिया को शेयर करते हैं तो ये क्या है हम उससे हाथ ले रहे हैं हम उससे बात कर रहे हैं हम, है, हम अपने आइडिया तो और अपने थाट को एक दूसरे से चेंज कर रहे हैं सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन अब हम लोग आपस में बात नहीं करें है ना विदाउट एनी यूज ऑफ वर्ड अगर हम एक भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करें तो हम उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो अगर आप अगर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मतलब अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं तो ये हो गई वर्बल कम्युनिकेशन भाई अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या हो गया ये वर्बल कम्युनिकेशन लेकिन अगर हम कुछ बात नहीं करते सिर्फ इशारों में बात करते हैं तो इसको बोलते हैं नॉन वर्बल मतलब अगर हमने बातचीत करी तो ये तो हो वर्बल कम्युनिकेशन लेकिन अगर हम इशारों में बात कर रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सो वर्बल कम्युनिकेशन इज मेड थ्रू द वर्ड ईदर स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर मीटिंग ग्रुप डिस्कशन कॉन्फ्रेंस टेलीफोन कॉन्वर्जेशन रेडियो मैसेज नेट कॉन्फ्रेंसिंग स्काइप एटसेट्रा इन रिटर्न कम्युनिकेशन मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स दैटर्स नोटिस रिपोर्ट मैनुअल मैगजीन हैंडबुक ई मेल वेबिनार ब्लॉग्स एंड एटसेट्रा अब हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की तो वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जब हम एक दूसरे से बात करते हैं वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अब वो वर्ड कैसे हो गए या तो बोल के या लिख कर है ना हमने दोनों तरीके से फॉर्म इस्तेमाल किया अगर हम बोल के बा, हम बात तब भी हम बात करेंगे अगर हम लिखते किसी को कोई लेटर देते हैं तो वो लेटर को पढ़ेगा तो एक तरीके से क्या है ये सब वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है हम बहुत सारी चीजें हम यूज कर, करते हैं जैसे लेक्चर है मीटिंग है ग्रुप डिस्कशन है ग्रुप डिस्कशन है है ना और कॉन्फ्रेंस है टेलीफोनिक कन्वर्जेशन रेडियो मैसेज नेट कॉन्फ्रेंसिंग रिटिन कम्युनिकेशन मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द रिटर्न वर्ड इन अ फॉर्म ऑफ लेटर अब हम लिखने में जो हम मैसेज देते हैं वो क्या होता है वो हम लिख के एक दूसरे को जो है मैसेज करते हैं जैसे अगर मैं uh, कोई टाइप करके किसी को मैसेज कर रहा हूं व्हाट्सएप पे कोई मैसेज टाइप कर रहा हूं तो ये भी एक तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन में ही आता है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मे बी विजुअल ओरल और जेस्टर समटाइम्स यू लुक इन टू योर पिक्चर ग्राफ सिम्बल डाइग्राम्स एट्सेट्रा एट सम मैसेज आर कन्वे टू यू अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है जिसमें कोई बातचीत नहीं हो रही हो जो इशारों से जेस्टर से फेस के एक्सप्रेशन से बात हो रही हो उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल मतलब अगर कोई बोर्ड अगर हम देखते हैं है ना किसी पर कोई साइन बना हुआ होता है, है ना जैसे कि स्मोकिंग के ऊपर मतलब टू नॉट स्प्रिड ये सब एक साउंड जिसके अंदर बने होते हैं तो मतलब जैसे कि स्मोक के लिए कि स्मोक सिगरेट पीना मना है तो एक साइन बना देते हैं तो उस तरीके से जेस्टर की भी एक जेस्टर चारे जब हम सड़क पर जा रहे होते हैं तो एक मतलब हॉर्न नहीं मतलब एक हॉर्न नहीं बजाना होता तो, तो वहाँ पर हॉर्न के लिए एक मतलब एक, एक, एक साइन बना देते हैं कि यहाँ आपको हॉर्न नहीं बजाना है मतलब एक तरीके से अपने हम फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं हम उससे ही बात करते हैं हम मुंह से बात नहीं करते जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी से गुस्सा हैं तो हमारा फ़ेस ऐसा हो जाएगा हम मुंह से बात नहीं कर रहे और हम खुश हैं तो फेस ऐसा और अगर हम सरप्राइज हैं तो हमारा फेस ऐसा हो जाएगा है ना और अगर हम सैड हैं फियर हैं है ना डिस्कस्ट uh, हैं तो फेस के एक्सप्रेशन कभी कभी हम बातचीत नहीं करते और हम अपने फेस के एक्सप्रेशन से अपनी बात को uh, एक्सप्रेस कर देते हैं कि हमें ये फील हो रहा है जैसे बहुत ज्यादा किसी को देख के सरप्राइज हो गए तो सरप्राइज हो होकर हम बिना बोले अपना फेस दूर से ही ऐसा बना लेते हैं तो ये अलग अलग एक्सप्रेशन जो हम बिना बात किए अपने चेहरे के लिए बनाते हैं मान लीजिए हमें आ, मतलब मान लीजिए एकदम से पांच चॉकलेट एक साथ मिल जाए तो वी आर जॉय बहुत मजा आ गया भाई है ना और सामने से एकदम हमने किसी भूत को देख लिया या हमने कोई भूत की कहानी सुन ली स्टोरी सुन ली तो हम लोग बिना बात करे हम क्या कर रहे हैं हम डर रहे हैं फियर हमारे अंदर डर पैदा हो गया लेकिन सैडनेस अगर हमारे पास वो चॉकलेट कहीं खो गई या मेरी पेंसिल कहीं खो गई तो मैं क्या करूँगा मैं बहुत सैड हो जाऊंगा तो सैड और हम किसी से बिना बताए लोग हमारा चेहरा देख के बात करते हैं कि यार तुम बहुत सैड दिखाई दे रहे हो तो एक तरीके से वो हमारा फेस का एक्सप्रेशन होता है तो वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हम बिना बात किए अपने चेहरे के हाव भाव से बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फेस तो के एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से भी होते हैं जैसे आ, जैसे ये थोड़ा स्माइल कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा खुश हैं ये थोड़ा सा मतलब हैरान हैं ये एंग्री हैं ये बिल्कुल एक नॉर्मल एक्सप्रेशन ये बिल्कुल एक सरप्राइज है है ना ये किसी को एकदम चढ़ाना या ये ये सैड हैं या ये थोड़ा अफसोस कर रहे हैं ये एक हर तरीके के एक्सप्रेशन जब हम बिना बात किए अपने एक्सप्रेशन से ही बात कर लेते हैं उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन now the next topic post office the post office brought, brought about the big first change in our field of communication through the post office people started to send various form of letter parcel money order etc in recent year before post office have started speed post टेली मनी ऑर्डर एटसेट्रा अब हम बात करते हैं दूसरा कम्युनिकेशन का एक जो होता है मतलब एक और तरीका होता है हम किसी को कोई लेटर लिख के देते हैं है ना तो ये लेटर लिख के देना उसको पोस्ट करना ये सब काम कहाँ होता है ये पोस्ट ऑफिस होता है हम अपना लेटर लाके पोस्ट ऑफिस में डालेंगे और पोस्ट ऑफिस हमारा लिखा हुआ लेटर हम जब हम जिसको भेजना चाहते हैं वहां तक पहुंचा देता है पहले अगर हम बात करें नाइन्टीज़ का दौर करें उन्नीस सौ नब्बे के आसपास का अगर हम हम दौर करते हम बात करें नाइन्टीज़ का तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मतलब यूज होता तो था लेटर राइटिंग का जब मोबाइल नहीं था इंडिया में जब मोबाइल नहीं था तो लोग लेटर का बहुत इस्तेमाल करते थे अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए वो लेटर का सहारा लेते थे, थे एक लेटर लिख कर यहाँ पोस्ट करते थे फिर पोस्टमैन लेटर को उनके पते तक पहुंचाता था, था जैसे मुंबई दिल्ली या आगरा में किसी भी जगह पर पहले फोन नहीं थे मगर यहाँ आजकल क्या हो गया ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया अब तो हम किसी से भी बात करते हैं फोन पे एक मिनट पर बात कर लेते हैं अब हम बात करते हैं टेलीग्राफ की The telegraph was invented by Samuel Morse. It is used for sending urgent messages within a short time to any person in any part of the world. The message is sent in the form of code consisting of dots and dashes and decode at the destination. टेलीग्राफ मतलब पहले लोग क्या करते थे पहले मतलब एक एक तरीके से अर्जेंट मैसेज भेजने का था पुराने जमाने में लोग इससे मैसेज भेजते थे और जो इसकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो कुछ डॉट 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 डैश 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 इस तरीके से लैंग्वेज हुआ करती थी तो उसको डी करने के लिए एक स्पेशल स्टडी हुआ करती थी तो जो उसकी पढ़ाई जानता था वो उसके कोड को स्टडी कर कर एक्सप्लेन कर दिया करते थे कि क्या बात कही जा रही है द नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीफोन द

उनके पते पर भेजता था तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो गया कि हमने लेटर लिखा पहले लिखने के बाद उसको पोस्ट किया फिर वो एक दस पंद्रह दिन में वहां तक पहुंचता था लेकिन जैसे ही टेलीफोन आया आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन है ना एंड हु हु इन्वेंट टेलीफोन द एलेक्र ग्राम ग्राम बेल ग्राम बेल अब जैसे ही टेलीफोन आया तो अब हम क्या करने लगे हमने नंबर डायल किया और उससे बात करना शुरू कर दी तो अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकम वेरी फास्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन जैसे ही टेलीफोन का इन्वेंट हुआ तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो गया बहुत ज्यादा फास्ट हो गया और टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नेक्स्ट हम बात करते हैं न बी ऑल्सो डन अब टेलीफोन आ गया अब जैसे टेलीफोन आया तो अब टेलीफोन के बाद क्या आया पर मोबाइल अभी तक क्या था टेलीफोन सिर्फ घर में ही बात हो सकती थी कोई टेलीफोन को अपने साथ लेके नहीं जा सकता था लेकिन अब क्या हो गया कम्युनिकेशन बिकेम मोर एंड मोर फास्ट अब आप टेलीफोन लीजिए अब आप मोबाइल लीजिए अपनी जेब में रखिए आप बाहर घूमने गए आप कॉल कर सकते हैं किसी को भी तो इट बिकेम वेरी इजी फॉर एवरी पहले क्या था पहले टेलीफोन घर पे रखा रहता था आप घर जाओगे जब भी कॉल करोगे आप एस टी डी एस टी डी पे कॉल करोगे लेकिन अब अब क्या हो गया अब आपके जेब में फोन है आपको जिससे बात करनी है जब बात करनी है आप कर सकते हैं नाउ द कम्युनिकेशन बिकेम वेरी इजी द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्स Alexander Bain invented the fax machine. Who invented fax machine? Alexander Bain invented the fax machine. A fax machine is a used for sending a printed matter or picture. The exact copy of the document reaches the receiver instantly. अब देखिए fax machine कैसे काम करती है जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए है ना जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम एक होटल बुक करते हैं मान लीजिए हम गए घूमने के लिए मुंबई है ना हम लोग मुंबई घूमने जाते हैं तो जो अगर हम मुंबई घूमने गए और हम किसी होटल के अंदर एक रूम बुक करवाना चाहते हैं तो वहां पर हमारा आई कार्ड चाहिए है।, है ना हम किसी वजह से अपना आई कार्ड भूल गए अपना आधार कार्ड नंबर भूल गए तो हमने क्या किया हमने अपने घर पर फोन किया और उस होटल वाले ने हमें एक राय दी कि आप हमें फैक्स करवा दीजिए अपना आईडी कार्ड तो हमने अपने घर पे फोन किया और बोला कि हमारा आईडी कार्ड की फोटोकॉपी हमें दे दीजिए तो अगर हम अपने आईडी कार्ड की फोटोकॉपी है ना अपने पिक्चर इस फैक्स में डाल देंगे तो इसकी हु बहु नकल हमें मिल जाएगी तो हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो अगर हम अपने कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट की एक पिक्चर अगर हमें मिल जाए तो उस पिक्चर को हम इस फैक्स में डालिए अगर ये वैसी ही नकल हम निकाल सकते हैं तो ये अब क्या हो गया बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारी मार्कशीट है कोई चीज अगर भूल जाते हैं तो इट विल बी वेरी इजी हम उसको हैंड टू हैंड फैक्स के जरिए वहां से निकाल सकते हैं असली नहीं आएगी लेकिन उसकी कॉपी आ सकती है नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द ईमेल व्हाट इज द मेन ऑफ ईमेल ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल द इलेक्ट्रॉनिक मेल कॉमनली कॉल्ड द ईमेल और ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस अक्रॉस द इंटरनेट एंड अदर कंप्यूटर नेटवर्क ओरिजिनली ईमेल मेल वर ट्रांसमेटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन यूजर टू अनदर कंप्यूटर अब हम जो मैसेज करते हैं इंटरनेट के थ्रू जो कंप्यूटर से हम जो मैसेज करते हैं एक दूसरे को जो मैसेज करते हैं उसको बोलते हैं ई मेल है ना अब ई मेल क्या है हमें कोई किसी को मैसेज करना है तो हमें इंटरनेट से उसको एक मैसेज कर दिया उसकी आई डी पर या ई मेल आई डी पर हम जो भी उसको एक ई मेल करते हैं उसको हम बोलते हैं ईमेल आई होप यू लाइक दिस वीडियो वी विल अपलोड सम मोर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय